हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स एंड सेकेंडली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स मीन्स आर क्रॉस आर। ओके, इसको कैसे डिफाइन करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए बी सी, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे विद ऑर्डर थ्री ट्रिपलेट के साथ, विच इज ए कॉमा बी कॉमा सी। ए होगा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ए, बी इज एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट बी, एंड सी इज एलिमेंट ऑफ थर्ड सेट सी सी। ओके, एंड इसको जब हम प्लॉट करते हैं, प्लॉट करेंगे हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में, ओके, जिसमें एक्स वाई जेड एक्सेस होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, जैसे हमारे पास आर क्रॉस आर है, तो ये भी कैसे डिफाइन होगा, ऑर्डर थ्री ट्रिपलेट के साथ ए कॉमा बी कॉमा सी के साथ, वेयर ए बी सी ऑल आर फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ये होगी डेफिनेशन ऑफ आर क्रॉस आर क्रॉस आर। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास एग्जांपल है, पी इज इक्वल टू माइनस वन कॉमा टू एलिमेंट्स हो गए, एंड वी हैव टू फाइंड थ्री पी क्रॉस इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, नाउ अगर पहले तो हमने क्या करना है, फर्स्ट पी क्रॉस पी निकालेंगे, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पी, पी के सेट का ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे विद इट सेल्फ। ये आ जाएगा हमारे पास, ये सभी को आता है, पिछला पार्ट किया होगा आपने। माइनस वन कॉमा माइनस वन आ गया, माइनस वन कॉमा टू आ गया, देन टू के साथ माइनस वन लिख लिया, टू के साथ टू लिख लिया। ओके, अब हम थर्ड के साथ लेंगे, थर्ड सेट के साथ। ये कैसे लेना है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे पास ऑर्डर पेयर्स में, इन सभी के साथ हमने एक एक एलिमेंट लगा देना है। जैसे इसमें दो एलिमेंट्स हैं माइनस वन कॉमा टू, तो एक बार हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स के साथ माइनस वन लगाएंगे, देन सभी एलिमेंट्स के साथ हम टू लगाएंगे। ओके, और ये हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें एलिमेंट्स टोटल कितने होंगे, ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने किया है पिछले पार्ट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, m इंटू एन। ओके, वेयर m इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट सेट एंड n इज द ऑर्डर ऑफ सेकेंड सेट। ये भी सेम ऐसे ही है, जैसे हमारे पास यहाँ थ्री सेट्स हो गए, तीनों सेट्स की ये जो ऑर्डर होगा, अब तीनों सेट्स का ऑर्डर क्या है, टू। ओके, मीन्स टू इंटू टू इंटू टू कितना हो गया, एट। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट विल बी कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे, एट ही होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये आ गया हमारे पास माइनस वन कॉमा माइनस वन लिख लिया, अब माइनस वन टू के साथ भी माइनस वन लिखेंगे, नेक्स्ट के साथ भी माइनस वन लिख लेंगे, देन इसके साथ भी माइनस वन आ जाएगा। क्लियर? अब टू टू लिख लेंगे इन सभी के साथ, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, एट। माइनस वन टू, माइनस वन टू टू, टू माइनस वन टू, एंड देन टू टू टू। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ ए इज इक्वल टू थ्री फोर एंड बी इज इक्वल टू फाइव एंड सी इज इक्वल टू माइनस वन थ्री, देन हमने इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है डिफरेंट डिफरेंट सेट्स की। तो ये क्या आएगी हमारे पास, देखिए पहले तो इनका ऑर्डर क्या है, एक का ऑर्डर हो गया टू, इसका ऑर्डर हो गया वन, इसका ऑर्डर हो गया टू, तो ये कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, फोर एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? अब देखिए कैसे निकालना है, पहले तो हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये कैसी आएगी, थ्री फाइव एंड फोर फाइव, ये तो हो गई हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फर्स्ट टू सेट्स। देन अब हम लेंगे थर्ड सेट के साथ, ये आ जाएगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब क्या करना है, हमने इन दोनों एलिमेंट्स के साथ एक बार माइनस वन लगा लेंगे, एक बार थ्री लगा लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास थ्री फाइव माइनस वन, थ्री फाइव थ्री। ओके, देन फोर फाइव माइनस वन, देन फोर फाइव थ्री, तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, फोर। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो भी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स हमने कैसे निकालनी है और इसको कैसे सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।